Hi everyone, once again I welcome you all at Aastha Prakash Defense Academy. दोस्तों फिर से एक और वैकेंसी आप सभी के लिए, लेकिन ये जो वैकेंसी है बेसिकली SSR एंड MR NMR के लिए. जी हाँ, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ SSR और MR NMR की वैकेंसी के बारे में, लेकिन अगर वो अपॉर्चुनिटी अगर आपके हाथ से निकल गई है, फिर भी अगर आप इच्छुक हैं इस वैकेंसी में दोबारा जाने के लिए, तो फिर से एक और एंट्री आपके लिए मैं लेकर के आई हूँ, जिसमें आप SSR के लिए, MR के लिए, इवन पेटी ऑफिसर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं. जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ इस स्पोर्ट्स एंट्री की, जो कि हाल ही में इंडियन नेवी ने रिलीज़ करी है और एक बार फिर से मौका दिया है सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट वाले बच्चों के लिए, MR के लिए और पेटी ऑफिसर के लिए. जी तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इस एंट्री को कौन कौन से लोग भर सकते हैं और कौन कौन से लोग इस एप्लीकेशन फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं. तो सबसे पहली बात, इस वैकेंसी के लिए एक मैं बता दूं कि ये जो फॉर्म है ये आपके ऑफलाइन फॉर्म है, ऑनलाइन नहीं है. तो आपको ये डाउनलोड करने पड़ेंगे इंडियन नेवी की वेबसाइट से और इस रजिस्टर एड्रेस पे आपको इसको भेजना होगा. तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन से स्पोर्ट्स वाले पर्सन इस वैकेंसी को भर सकते हैं. नियरली अबाउट 23 से 25 स्पोर्ट्स इसमें दिए रखे हैं, जिन बच्चों ने स्पोर्ट, अपना फेवरेट स्पोर्ट्स, जैसे कि आपका एथलीट्स हुए, आपका बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, क्रिकेट, फुटबॉल, जिमनास्ट, हैंडबॉल, हॉकी, कबड्डी, वॉलीबॉल, वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग, स्क्वैट्स, बेस्ट, फिजिक्स, फेंसिंग, गोल्फ, टेनिस, रोलिंग, शूटिंग, सेलिंग, इवन विंड राफ्टिंग, इन सारे गेम में पार्टिसिपेट किया हो, या तो नेशनल लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर, या फिर जूनियर सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप पे, या फिर सीनियर स्टेट चैम्पियनशिप में. फिर से एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ आपको, वो लोग जिन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया हो नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, चाहे वो जूनियर हो या सीनियर या फिर स्टेट लेवल पर, उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, उन्होंने ये जो गेम्स हैं वो खेले हों नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर या फिर स्टेट लेवल पर. तो देखिए, डायरेक्ट पेटी ऑफिसर के लिए जो रिक्वायरमेंट मांगी गई है वो आपकी 12th पास मांगी गई है, और अगर आपने स्पोर्ट्स जो मैंने पहले मेंशन किए थे, बाकी 23 से 25 स्पोर्ट्स जो मैंने आपको मेंशन किए थे, वो आपके खेले होने चाहिए. किस पे? अगर आपने टीम में खेला हुआ है तो आपने उस पे पार्टिसिपेट किया हो, अगर आपने इंडिविजुअल खेला हुआ है तो आपने इंडिविजुअल लेवल पर कम से कम 6th पोजीशन सीनियर लेवल पर और 3rd पोजीशन जूनियर लेवल पर आपने हासिल करी हो, तभी आप इस एंट्री के लिए, पेटी ऑफिसर एंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं. एज जो मांगी गई है ये 17 से 22 साल मांगी गई है, यानी कि 1 अगस्त 1997 से लेकर के 31 जुलाई 2002 तक की जो डेट है उसमें अगर आपका जन्म हुआ है, आप इस एंट्री के लिए फॉर्म आपका भर सकते हैं. दूसरी अगर हम बात करें सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट के लिए, तो इसमें भी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो 12th पास मांगी गई है किसी भी सब्जेक्ट में. दोस्तों देखिए, जो डायरेक्ट एंट्री थी उसमें पीसीए मांगा गया था, लेकिन जो जो आपकी स्पोर्ट्स एंट्री है तो इसमें 12th पास परसेंटेज भी नहीं मांगे गए कि मिनिमम परसेंटेज इतने होने चाहिए. 12th पास किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी एनी स्ट्रीम से आपका होना चाहिए, लेकिन जो स्पोर्ट्स प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए वो आपकी है, शुड हैव पार्टिसिपेटेड एट इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट लेवल और रिप्रेजेंटेड अ यूनिवर्सिटी इन अ यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट. यानी कि आपके पास पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए नेशनल, इंटरनेशनल और स्टेट लेवल का, या फिर किसी यूनिवर्सिटी की तरफ से खेल रहे हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए. और जो एज मांगी गई है वो 17 से 21 साल. देखिए, जो डायरेक्ट एंट्री थी उसमें 20 साल मांगी गई थी, इसमें जो मांगी गई है ये 17 से 21 साल मांगी गई है, यानी 1 अगस्त 1998 से लेकर के 31 जुलाई 2002 तक के जो बच्चे हैं वो इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं. MR NMR के लिए जो एजुकेशन मांगी गई है वो 10th पास मांगी गई है, और उन्होंने स्पोर्ट प्रोफेशनसी जो मांगी गई है इसमें वो मांगी गई है, शुड हैव पार्टिसिपेटेड एट इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट लेवल टूर्नामेंट. मतलब कि कोई आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नहीं आए हो, जैसे कि आपको बैटी ऑफिसर में मांगा गया था, इसमें सिर्फ आपने पार्टिसिपेट करा हो, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट आपका मांगा गया है. एज जो मांगी गई है वो 17 से 21 साल मांगी गई है, ये 1 अक्टूबर 1998 से लेकर के 30 सितंबर 2002 तक मांगी गई है. तो स्टूडेंट, अगर आपने अपने करियर में पढ़ाई कम करी है और स्पोर्ट्स ज़्यादा खेला है तो ये आपके लिए बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है. इंडियन नेवी आपको प्रोवाइड कर रही है सेलर के लिए, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए जो कि अपना करियर स्पोर्ट्स के थ्रू इंडियन नेवी में बनाना चाहते हैं.
और एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो ऑफलाइन भरे जाएंगे, ऑनलाइन नहीं भर पाएंगे। आपको क्या करना है, ब्राउन एनवलप लेना है, A4 साइज़ का आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है इंडियन नेवी की साइट से, और उस पर क्लियरली मेंशन करना है कि आप किस पोजीशन के लिए, जैसे कि आप पेटी ऑफिसर के लिए या SSR, MR, NMR के लिए, जिस भी पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो उस पोजीशन को आपको क्लियरली ऊपर एनवलप में मेंशन करना है। डेट आपकी मेंशन करनी है 2019-02-2019। कबड्डी अगर आपने खेला है तो कबड्डी आपको लिखना है, उसके अलावा नेशनल सर्टिफिकेट या स्टेट सर्टिफिकेट या इंटरनेशनल सर्टिफिकेट जो भी आपके पास है वो सर्टिफिकेट लिखना है। अगर आपने फुटबॉल खेला है तो फुटबॉल, जो भी आपका गेम है, हैंडबॉल, हॉकी, रेसलिंग, स्क्वाड, जो भी आपका गेम उसमें मेंशन है वो आपको स्पोर्ट लिखना है, साथ में आपको जो सर्टिफिकेट है वो। जो डॉक्यूमेंट आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ भेजने हैं वो आपको क्या भेजना है, एक तो आपको मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट भेजना है, डेट ऑफ बर्थ के लिए 10th की मार्कशीट आपको भेजनी है, NCC या स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट जो भी आपके पास है जिस भी गेम का वो आपको भेजना है, और 2 सेल्फ अटेस्टेड एनवलप ऑफ साइज 20x10 cm विथ 10 rupees ईच, ये आपको भेजना है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं बच्चों, आपको पोस्ट जो है वो सिंपल पोस्ट रखनी है, आपको स्पीड पोस्ट नहीं करनी है, कोई भी पोस्ट आपको नहीं करनी, कि सिंपल पोस्ट से आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म भेजना है, और एक ही फॉर्म भेजना है, दो नहीं भेजना है, दो भेजोगे तो रिजेक्ट हो जाएगा। एक ही आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म भेजना है, एक फ़ोटो आपको अटेस्ट करनी है, एक एक्स्ट्रा फ़ोटो आपको भेजनी है। दूसरी चीज़, जो लास्ट डेट है आपकी जो एनवलप पहुँच जाने चाहिए वो 30 अगस्त 2019 तक है सारे स्टेट के लिए, लेकिन जो स्पेशल स्टेट है जैसे कि नॉर्थ ईस्ट, जम्मू एंड कश्मीर, अंडमान एंड निकोबार, इन लोगों के लिए आपके 6 सितंबर 2019 तक आपके जो फॉर्म है वो पहुंच जाने चाहिए। पूरे नोटिफिकेशन मैंने लिंक में आपके डाल दिए, आप वो भी चेक कर सकते हैं, इन केस अगर आपको कोई डाउट है तो आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप ये आपके लिए रिलेवेंट वीडियो होगी और अच्छी भी लगी होगी। तो थैंक यू सो वेरी मच एंड हैव अ नाइस।